सिरसा में पत्रकार वार्ता के दौरान इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने कहा कि हरियाणा में इनेलो को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। आज जिस प्रकार से कार्यकर्ता में उत्साह है, उससे लगता है कि हरियाणा में अगली सरकार इनेलो की होगी। देखिए तस्वीरें। मंत्री रहे हरियाणा प्रदेश में कई बार और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई अभय सिंह चौटाला साहब, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में हमने जिला स्तरीय प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। आज उसी लड़ी के तहत हमारा प्रोग्राम फतियाबाद में है, सिरसा में है। पहली बैठक हमने सिरसा में रखी है, सेकेंड हमारी बैठक फतियाबाद में होगी और पूरे हरियाणा प्रदेश को हमने जोन वाइज बांटा है। श्री नफे सिंह राठी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुछ जिलों का दौरा वो कर रहे हैं। श्री श्याम सिंह राणा जी हमारे संगठन मंत्री कुछ जिलों में दौरा वो कर रहे हैं और कुछ जिलों की जिम्मेवारी मेरे को भी दी गई थी। आज सिरसा में अपने संगठन को हम मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। जो गाइडलाइन हमें चौटाला साहब ने दी है, उन कार्यकर्ताओं को हम गाइडलाइन देने का काम करेंगे कि कैसे हमने इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन को गाँव, वार्ड और बूथ स्तर तक लेके जाना है। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने इंडियन नेशनल लोकदल की जिला की जो इकाई है उसका सारा कार्य पूरा कर लिया है। जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं जिले में उनके संयोजक थे, 16 प्रकोष्ठ हमारे पूरे स्टेट में बनाए हमने इंडियन नेशनल लोकदल के। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने सारे प्रकोष्ठों का काम पूरा कर लिया, स्टेट में भी उसे पूरा कर लिया गया है। ऐसे ही हमने पूरी विधानसभा को, 90 विधानसभा हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश में है, 480 जोन में बांटने का काम पूरे हरियाणा को हमने किया है। 90 हमारे अध्यक्ष थे पहले हरियाणा में, पूरी विधानसभा को कवर नहीं कर पाते थे वो। कैसे विधानसभा में जनता तक ज़्यादा अप्रोच बने, कैसे हम जनता के बीच में ज़्यादा जाएं, कैसे हम सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच में ज़्यादा पकड़ बनाएं, उसको लेकर 480 जोन में हमने पूरे हरियाणा को बांटा है। आज जितने जोन हमने सिरसा जिला की विधानसभाओं को बनाए हैं, उन सभी जोन के इंचार्जों को बुलाया गया है, जिला कमेटी की पूरी टीम को बुलाया गया है और प्रकोष्ठों के जितने संयोजक पदाधिकारी केवल उनको ही बुलाया है। आज की बैठक का एजेंडा है संगठन को मजबूत करना। रही बात सरकार, चाहे वो देश की है चाहे वो प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पंचायतों का चुनाव हुआ और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन एक महिला जब अपना नॉमिनेशन नामांकन करने के लिए जाती है, उसकी साड़ी उतार दी जाती है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं। इतनी बड़ी गुंडागर्दी, डेमोक्रेसी की हत्या ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ ये जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, ये वहाँ पर बहुत हिंसा का शोर बचा रहे थे, हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, करवाने वाले कौन हैं, यही लोग हैं। हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे झगड़ा ये कराते हैं, दंगा फसाद ये लोग कराते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज इनकी सरकार, एक महिला को वहाँ जिस तरीके से निर्वस्त्र करने का काम इन्होंने किया है, पूरे देश में आज उसकी मैं कहता हूँ बहुत बड़े पैमाने पर निंदा हो रही है। वही काम हरियाणा में है, हरियाणा की सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। आज यहाँ की सरकार बंद कमरे में कैदी की तरह से है, एक कैदी जैसे कैद में होता है ना, सरकार को कैद कर रखा है। आज ना मुख्यमंत्री कहीं जा सकता है, ना उनकी सरकार के मंत्री जा सकते हैं, ना उनके कोई संगठन के जो लोग वो जा सकते हैं। संपत सिंह जी ने बयान दिया कि मैं ऐसे इन लोगों के साथ नहीं रह सकता, मैंने हरियाणा में पहली ऐसी सरकार देखी है जो कैदी की तरह से कमरे में कैद है। तो कहाँ सरकार है आज, जो सरकार जनता के बीच में ना जा सके, जिसके नुमाइंदे जनता के बीच में ना जा सके। वहीं जब चौटाला साहब का राज प्रदेश में रहा, सरकार आपके द्वार प्रोग्राम चले, घर घर सरकार गई, चौटाला साहब जनता के बीच में बैठते थे, जनप्रिय नेता रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से चौटाला साहब के साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, खासकर भूपिंदर सिंह हुड्डा एंड उसकी पूरी टीम ने, जिस तरीके से चौटाला साहब के साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर मैं कह सकता हूँ धोखे के साथ, साजिश के साथ उनको जेल भेजने का काम किया, चौटाला साहब अपनी सजा पूरी करके बाहर आ गए हैं। और जिस दिन से चौटाला साहब बाहर आए हैं, उसी दिन से भूपिंदर सिंह हुड्डा को डर किस बात का सता रहा है, क्योंकि एक साजिश के तहत चौटाला जी को जेल भेजने का काम किया, वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन आज हुड्डा चौटाला साहब के नाम के बंकर में घुसना चाहता है। उसकी फौज आज दिल्ली में जाके दिल्ली दरबार में ये कहते हैं कि चौटाला साहब जेल से बाहर आ गए हैं, सारी जनता तो चौटाला साहब के पीछे लगी है, अब हमारा होगा क्या। इतना बड़ा चौटाला साहब के नाम को उनको डर सता रहा है।
तो प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की फेवर में आज माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के समर्थन में जो त्याग और बलिदान करने का काम किया है, उसका भी प्रदेश में किसानों में बहुत बड़ा मैसेज है। और आज किसानों ने ये कहा कि जो हमारे साथ हम उसके साथ हैं। तो पूरे प्रदेश में आज जिस तरीके से देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आज पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हर मोर्चे पे केंद्र प्रदेश की सरकार फेल है। और बहुत जल्दी अपने संगठन को मजबूत करके हम गांव-गांव में जाने का काम करेंगे। चौटाला साहब पूरे प्रदेश में जाएंगे, अभय चौटाला जी पूरे प्रदेश में जाएंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। फिर चाहे वह महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में इंडियन नेशनल लोकदल बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का काम भी करेगी। पटी जी, चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही है कि चौटाला साहब और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बीच में डिनर डिप्लोमेसी कुछ हुई है, तो आगे दोनों बड़े नेता हैं, कोई हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, राजनीति हमेशा बदलती रहती है। राजनीति में परमानेंट मित्र नहीं होते, परमानेंट दुश्मन नहीं होते हैं। अब ये बात तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बता सकते हैं कि वो चौटाला साहब से मिलने के लिए किस मुद्दे को लेकर गए, शिष्टाचार भेंट करने गए हैं या राजनीतिक हालात पर चर्चा करने गए हैं। चौटाला साहब बाहर आए हैं, हो सकता शिष्टाचार भेंट भी उनसे करने गए हों, लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक हालात क्या रहेंगे ये तो समय ही बताएगा। मुलाकात 4 घंटे तक चली होंगी लगभग। देखिए, चौटाला साहब बड़े नेता हैं, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा रणनीतिकार देश में है। आज उसने एक बयान दिया है कि चौटाला साहब जेल से बाहर आ गए हैं, तीसरा मोर्चा देश में बनेगा, चौटाला साहब का उसमें जो रोल होगा वो बहुत मुख्य रोल रहने वाला है। जब चौटाला साहब देश की राजनीति की तस्वीर बदलने वाले हैं, ऐसे में स्वाभाविक है चौधरी वीरेंद्र सिंह या और बड़े नेता उनको मिलने का काम कर रहे हैं, और ये सारे बदलाव के संकेत हैं। क्या लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की पहले चर्चाएं चल रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की, लेकिन शामिल नहीं हो पाए इन मौके पर, हरियाणा के एक जो है केंद्रीय मंत्री उनको हटा दिया, लेकिन लिया कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके बारे में मेरा खास कर ये कहना है, इन्होंने अभी एक ड्रामा किया है कि हमने बैकवर्ड के मंत्री बना दिए, शेड्यूल्ड कास्ट के मंत्री बना दिए, लेकिन बनाए हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के पास कोई पावर नहीं होती, पावर होती है कैबिनेट मिनिस्टर के पास, कितने लोगों को कैबिनेट में लिया है, कितने लोगों को वहाँ लिया है। और विशेष तौर से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी गलती की है बीजेपी में जाकर के। भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों की जमात है, यहाँ पे किसान मजदूर व्यापारी छोटा दुकानदार कर्मचारी के लिए कोई स्थान नहीं है, उनके नेता जो हैं उनके लिए कोई जगह है ही नहीं वहाँ पर। तो आगामी इलाहाबाद विधानसभा चुनाव है, पिछले दिनों जैसे नेलो की ओर से बयान भी आया कि वो चुनाव आयोग तक जाएंगे और कहेंगे कि अब हालात कुछ ठीक हो चुके हैं, चुनाव करवाए जा सके, तो इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? हमने इलेक्शन कमीशन को अप्लीकेशन लगाई है जी, वो जो भी फिर कानून जिस तरीके की इजाज़त देगा उस तरीके से हम लोग उस पर एक्शन करेंगे। दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं तो उनके पिताजी भी फ्री होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, और अजय चौटाला भी सामने लड़ेंगे, तो फिर कैसे देखते हैं? राजनीति में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कौन रोक सकता है, डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़े। नहीं नहीं, सामने की बात नहीं, सामने नहीं, वो बयान मैंने भी पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं तो अजय सिंह भी लड़ेंगे। कांग्रेस का जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक कांग्रेस पार्टी में पंजाब में विवाद है, हरियाणा में विवाद है, सेंटर में विवाद है, G23 का उन ऊपर एक ग्रुप काम कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में टुकड़ों में बटी पड़ी है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश से हाशिए पर जा रही है। मैं तो इसमें ये मानता हूँ, जिस घर में एक चौधरी ना हो, जिस घर का मुखिया एक ना हो, जिस घर में आपस में एकता ना हो, वो घर कभी कामयाब नहीं होता। हरियाणा प्रदेश में 7 साल हो गए हैं, पहले तंवर साहब यहाँ अध्यक्ष रहे, अभी सैलजा जी अध्यक्ष यहाँ पर है, वो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान भी नहीं बना सके। अब इससे बुरी बात क्या हो सकती, जिनके पास संगठन ही नहीं है। तो कांग्रेस में आपसी जो फूट है, इनको जो आपसी फूट है यही इनको ले डूबेगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कांग्रेस के बारे में। भारती जी, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और उसके बाद अभी अशोक तंवर अपना भारत मोर्चा बनाकर घूम रहे हैं जी, तो 5 तो अभी हो गई है, एक आधी और भी आएगी, तो वोटों का बंटवारा नहीं होगा अगर गठबंधन नहीं होता किसी? देखिए, वोट का बंटवारा नहीं होगा। बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में लोगों ने ये सोचा था, और खासकर बीजेपी के लोग ये बोलते थे कि ओवैसी की पार्टी है, उसको खड़ा करेंगे,
वो मुस्लिम वोट को काट देगी, सीपीआई सीपीएम खड़ा होगी कुछ वोट वो काट देगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी कुछ वोट वो काट देगी, लेकिन जनता ने एक फैसला कर लिया, जो मोदी को हराएगा जो बीजेपी को हराएगा सारा वोट वहाँ ट्रांसफ़र होगा। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी की एंट्री बंद है, कांग्रेस पार्टी में गुटों में बटी पड़ी लड़ाई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एकमात्र विकल्प बचा है, सारा वोट एक तरफा जनता हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को करने वाली है।